जय हिंद आप सभी को। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि सब विद्यार्थियों को मैक्सिमम रिमेडिकल मिल रहा है और बहुत कम पासिंग रेशियो है। इस बार के कंडीशन को देखते हुए लगता है कि कटअप उतना हाई फाई नहीं बढ़ेगा। अगर मेडिकल बाद में होता एक दो महीना के बाद फिजिकल का, तो संभावना था कि थोड़ा उछाल मारता, लेकिन अब नहीं लगता कि कटअप उतना भागेगा। तो वीडियो नहीं बना पा रहे थे, थोड़ा सा बिजी हो गए थे। अस्थाई रूप से एक जगह रहते हैं तो हम वीडियो बनाते रहते हैं, कम से कम प्रयास करते हैं 24 घंटा में एक बार तो कुछ बोल ही दें। लेकिन अगर एको दिन नहीं बोलते हैं तो लगता है साला 2-3 साल से कुछ नहीं बोल पाए। इसलिए आइए कुछ कुछ बोलते हैं आपको। बहुत सारा टॉपिक हमको क्लियर करना है, बिहार बंगाल के भी बारे में बात करना था, लेकिन क्या बात करेंगे, रहने दीजिए, अभी बच्चा लोग हैं, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं विशेष। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बच्चा लोग जाग गया है। एक सवाल जो बहुत बार मेरे मन में आया और आप लोग के मन में भी बहुत बार चलता होगा कि आप लोग जिस भी सेंटर पर जाते होंगे या आप लोग कहीं का रिपोर्टिंग भी सुनते होंगे, अभी का नहीं, अभी का तो चल ही रहा है फिजिकल मेडिकल में, आप लोग उस सेंटर में जाते होंगे तो पता आपको चलता होगा। विद्यार्थी लोग से आप पूछते होंगे कितना नंबर है रे तुम्हारा, किस डिस्ट्रिक्ट एरिया से हो, तो बहुत मैक्सिमम से नंबर बताता है और आप सोच के डर जाते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि साला मेरा तो इतना नंबर ही ज़्यादा है। और सबके मुँह से सुनते हैं कि मेरा 25 नंबर ज़्यादा, मेरा 30 नंबर ज़्यादा, मेरा 40 नंबर ज़्यादा, तो फिर हम क्या उखाड़ पाएंगे इस बीच में, इसका मतलब कटअप तो बहुत हाई जाएगा। तो ये सब बात आप सुने होंगे शुरू में भी, आपको पता होगा जब एग्ज़ाम चलता है तो आजकल जानते हैं ना कि एक तो लकड़ी उठा के जो जो घूमने लगता है मीडिया ही बन जाता है, वही माइक जिसके इसके मुंह में घुसाता है सबके मुंह से अच्छा अच्छा आवाज़ निकलता है। महिलाएं रहती है वो भी बताती है कि हम तो इतना में इतना अटैम्प्ट किए इतना सही होगा, और हम जितना आदमी से आसपास में देखे जिससे बात किए साला उसका रिजल्ट नहीं बना आज तक। तो इसी प्रकार से फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमेजिन कीजिए कि आप कोई कैंडिडेट, छोड़िए आपके ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, मेरे ऊपर अप्लाई करके देखते हैं हम अपने से खुद। सोचिए हम कोई कैंडिडेट हैं और हम कोई जॉब वॉब नहीं कर रहे भैया, हम कैंडिडेट हैं नॉर्मल, हम गए हैं सेंटर, मेडिकल है फिजिकल है जो भी है हो रहा है, हम फिट हो गए, बिल्कुल ग्राउंड फिट हो गए, निकले हैं। निकलते समय हमसे 4-5 लड़का पूछा कि भैया आपका कितना नंबर ज़्यादा है बताओ यार, या कितना मार्क्स है आपका, जबकि हम जानते हैं कि 90 कटअप गया अगर हमारे यहाँ से तो मेरा नंबर 92 और कटअप गया है 90, हमको पूरा संभावना है कि मेरा नहीं होने वाला है, 2 ही नंबर एक्स्ट्रा है। लेकिन फिर भी हम वहाँ पे क्या बोलेंगे एक बार सोच के देखिएगा, हम वो यही बोलेंगे अरे 125-30 नंबर है, अब देखिए क्या होता है, भगवान मालिक है, मेरा जो काम था वो तो हम कर दिए, अब जो होगा देखा जाएगा, है 30-35 नंबर ज़्यादा। तो सब लोग के मन में क्या लगेगा सोच के देखिए एक बार, सब लोग के मन में लगेगा अरे इस साल तो बहुत नंबर ज़्यादा है। और आप कल्पना नहीं कर सकते 100 कैंडिडेट में 90 कैंडिडेट ऐसा है जो कि जैसे अभी हम फेंक दिए ना लंबा चौड़ा डायलॉग दे दिए वैसे ही देने वाला है, समझे, ऐसा ही है। तो इसलिए आपको समझाते हैं कि आप लोग जो लिस्ट देखते हैं फाइनल कटअप का, प्रीवियस ईयर्स का देखें, प्रीवियस ईयर्स का कटअप बिल्कुल छोड़ दीजिए, उससे कोई मतलब ही मत रखिए। अभी जो आप लोग का फिजिकल का कटअप आया है इसको आप लोग देखे होंगे, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें देखेंगे पॉइंट के बाद ढेर सारा नंबर है, तो उस पॉइंट के बाद भी जो नंबर है उसमें भी कैंडिडेट है। ये जो आप लोग कटअप देख रहे हैं इतना नंबर कटअप गया है आपके डिस्ट्रिक्ट एरिया का, आपके कैटेगरी का, ये किसी कैंडिडेट का मार्क्स है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, इसलिए इतना पर कटअप बना है, ठीक है। अगर सबका उतना उतना ही नंबर रहता तो कटअप उतना ही रहता, समझा रहे बकलोल। इसलिए जितना विद्यार्थी डर रहा है सबको यही बात बताना चाहते हैं कि भैया मेरे आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत तेज हैं, लेकिन ये दुनिया जो है आप लोग को डरवा के रखना चाहता है, सब चीज़ से डरवा के रखना चाहता है। जैसे कोरोना में कैसे डरवा दिया, कोई बाहर नहीं निकलेगा, हैं, सब नाटक करवा दिया, और रियलिटी हम एक्सेप्ट करते हैं, अभी हम वीडियो के माध्यम से बोलते हैं, हमें कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया आज तक, समझा, और कहीं कुछ नहीं हुआ है किसी को, और मेरे संपर्क में जो था उसको इंजेक्शन लगवाने भी नहीं दिए, और जितना कोरोना में आदमी मर रहा था सबको उठा उठा के फेंके हैं, ठीक है। तो ये सब एक डरवाने वाला सब चीज़ है यार, इसलिए सबका टेंशन नहीं लेना है। सबको फिर बार बार समझा रहे हैं कटअप कितना जाएगा नहीं जाएगा, अभी इसका डाटा किसके पास है, किसी के पास नहीं, अभी किसी को पता है कि कितना आदमी फिजिकल पास किया, कितना आदमी मेडिकल पास किया, जो मेडिकल पास किया या रीमेडिकल पास किया उतना कि उसका कितना मार्क्स एक्स्ट्रा है, उसका कितना नंबर है, किसी को पता है, कुछ नहीं पता है, सिर्फ ऐसे ही डायलॉग दिया जाता है। अभी मान लीजिए हम भी अगर हमको कटअप का वीडियो बनाना रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि 10 नंबर से प्लस जिसका इसका है संभावना है कि पूरा 100% सिलेक्शन हो जाएगा, यही ना बोल सकते भैया,
ये तो हम नहीं बोल सकते कि पक्का इतना ही जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो मेरे ऊपर FIR कर देना, बोल सकते हैं क्या हम? नहीं बोल सकते, क्योंकि सबको जानता है कुछ भी हो सकता है। अभी पूरा डाटा SSC के पास सबमिट हुआ ही नहीं है, अभी 9 नवंबर तक चलने वाला है आप लोग का, समझे? अभी एक महीना से ज़्यादा समय है जिसमें पूरा दौड़ धूप, पूरा मेडिकल, पूरा रीमेडिकल का घटना चलेगा, तो अभी कैसे कोई बता देगा कि अभी क्या होने वाला है, समझे? और जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप बताते हैं, अभी आप लोग का फिजिकल मेडिकल होगा, सबसे ज़्यादा फोकस उस पर कीजिए। फिजिकल में जाने से पहले 3-4 दिन पहले अगर आपका दांत साफ़ है तो कोई दिक्कत नहीं, कान साफ़ है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है, ज़िंदगी में कभी नहीं करवाए हैं, एक बार करवा लीजिएगा, अच्छा होता है, ठीक है? और बाकी मेडिकल का आप चारों वीडियो देख लीजिएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और कट्टा पुट्टे के मन में अगर टेंशन हो तो उसका भी प्लेलिस्ट बना दिए हैं, लगभग स्टेट के बारे में उसमें बता दिए थे कि कितना कंपटीशन है, कितना क्या है, जो आप लोग का माथा हम पहले ही शांत करके रख सकें, जो बाद में फिजिकल मेडिकल के समय आप लोग टेंशन नहीं लें, ठीक है? इसलिए वो सब वीडियो हम बनाए थे। भले हमको गलत समझते होंगे आप लोग, लेकिन हम सच में उतना दोगला है नहीं, है लेकिन उतना नहीं जो कि आप लोग के साथ गलत कर दें, ठीक है? सबसे अच्छा बुद्धि यही है बाबू, आप लोग आगे में जो चीज़ है फिजिकल मेडिकल उस पर ध्यान दीजिए, आपके हाथ में है अगर कुछ संभावना बनता है तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए फिर। और सेटिंग वेटिंग कोई नहीं करवा सकता आजकल, रीमेडिकल में इतना पॉइंट दे रहा है। मेन बात क्या है सुनिए, अगर आप लोग मेडिकल देने गए हैं और कोई छोटा मोटा पॉइंट, फॉर एग्जांपल सबसे छोटा पॉइंट BP का, ब्लड प्रेशर का, ठीक है, थोड़ा सा अगर हाई हो गया और अगर ऐसे 10-15-20 एक्स्ट्रा रहता है तो चल जाता है मेडिकल में, क्योंकि डॉक्टर समझता है कि सब बच्चा का फट गया है अंदर से डर से, ठीक है, उतना चल जाता है। हम लोग का जब मेडिकल हुआ था तो हमको याद है 140 था मेरा, और फिट कर दिया था, कहेगी मेरा BSF कैंप उसमें हुआ था किशनगंज में, हो गया बहुत साल, तो फट गया था अंदर से सब विद्यार्थी का, हम लोग का खुद हालत ख़राब था, तो वो डॉक्टर जानता था भाई कि ऐसा ऐसा हो जाता है, तो बोला कोई दिक्कत नहीं है इसमें इतना होता है, फिट कर दिया सबको। तो अगर मान लीजिए अब क्या नाटक होने लगा, अगर किसी डॉक्टर को ऐसा लगता है कि इतना BP हो गया, चलो रीमेडिकल वाला बोर्ड खाली बैठा हुआ है, वहाँ का डॉक्टर खाली बैठा है, इसको वहाँ ट्रांसफ़र करो, वहाँ रेफ़र करो, समझे? आजकल यही नाटक चल रहा है, और ये नाटक में लगभग विद्यार्थी रिजेक्ट हो जा रहा है। हम सोचे तो साला संभावना होगा रीमेडिकल में फिट कर दे, लेकिन रीमेडिकल का भी डॉक्टर सब कितना महान सब है रे भाई। अब किस सेंटर का आपको हालत बताएं, बताइए, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कहाँ का आपको घटना बताएं, सबका वैसा ही कंडीशन है। तो हम देखें यही आजकल का कंडीशन कि रीमेडिकल वाला डॉक्टर भी लोड नहीं ले रहा है, अगर आपको रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर देता है, छोटा मोटा पॉइंट है तो आप बच जाएंगे। लेकिन इसलिए बोलते थे सब बच्चा को, प्रयास कीजिए, दिमाग लगा के अपना। अभी देखिए जितना वीडियो हम बनाए थे, बच्चा लोग बोल रहा है भैया हम वीडियो फॉलो किए, हमको लगा ऐसा ऐसा करेंगे तो फिट हो जाएंगे, ग्राउंड फिट होकर निकले। तो हम चाहते हैं आप लोग थोड़ा सा जो है प्रयास कीजिएगा, बाकी इधर सब कुछ ठीक है। रात में ग्रुप कॉलिंग करेंगे, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, हम लगभग जब फ्री रहते हैं तो वहाँ पे ग्रुप कॉलिंग करते हैं, आप लोग का जो भी समस्या रहता है क्लियर फेस टू फेस बात करके क्लियर, उसमें सब समाधान होता है, टेंशन मत लीजिए। आपके हाथ में जहाँ तक था आप कर लिए, मेडिकल में संभावना अगर बचने का है तो बच जाइए, और अगर मेडिकल फिट हो जाते हैं फिर कटा पटा के बारे में कुछ मत सोचिए, नेक्स्ट वैकेंसी का तैयारी कीजिए, ज़िंदगी यही है। और जब भी मेडिकल देने जाएँ, फिजिकल देने जाएँ, अगर आपके पास महिला पुरुष मित्र हो तो खाली कॉल पे बात करें, एनर्जी लॉस नहीं करें।